में सिख भाइयों का कत्लेआम हुआ है। जालिमों ने औरतों और बच्चों पे भी रहम नहीं किया। रात का भोजन करते समय सिखों पे हमला किया गया। गुस्से से कुछ हाथ नहीं आता छोटे सरदार। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, योद्धा का शांत होना बहुत जरूरी है। हाँ योद्धा जी, पर अवध के सिख भी तो शांति से खाना खा रहे थे ना, तो क्यों उन पर हमला किया? क्यों उनकी जान ले ली गई? क्यों योद्धा जी, दुश्मन शांति के स्वभाव का सम्मान क्यों नहीं समझता? क्यों से क्रोध की भाषा ही समझ आती है? कुकड़ी अभी भी आपकी पकड़ से बाहर है। क्या मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आप उसे पकड़ पाएंगे? शिक्षा के पहले चरण में आप सफल हुए छोटे सरदार। कल से हम आपके अगले चरण की शुरुआत करेंगे। आज से? बल्कि अभी से भी तो कर सकते हैं ना योद्धा जी? मेरे पास वक्त नहीं है। ये क्या बदतमीजी है? मैं योद्धा जी से बात कर रहा हूं ना। ये दूसरे चरण की शुरुआत है छोटे सरदार। इस चरण में हम आपको सिखाएंगे कैसे अदृश्य दुश्मनों से लड़ा जाता है। ऐसे दुश्मन जो कभी भेष बदलकर, कभी चोरी चोरी और कभी कभी आपके दोस्त बनकर आप पर हमला करते हैं। यानी गुलाम मोहम्मद। आंखें नीचे कर वीर सिंह, तेरे सामने होने वाला शहंशाह खड़ा है। हाँ योद्धा जी, गुलाम मोहम्मद वो पिताजी से दोस्ती बढ़ाना चाहता है और आज उसे दरबार में आमंत्रित भी किया। गुलाम मोहम्मद, आप उसे जानते हैं योद्धा जी? हमने तुझसे कहा था ना कि तू अपनी आखिरी सांस तक हमारी जूती के नीचे रहेगा। रसोड़ा, छोटे सरदार की आंखों पर पट्टी बांधो। में तुमने मुझे आगाह किया था वो बात सच निकली गुलाम मोहम्मद। चलिए देर से ही सही, कम से कम आपको हम पे भरोसा तो हुआ। भरोसा? भरोसे की नाव बीच समंदर में ही मिलती है गुलाम मोहम्मद। उस तक पहुंचने के लिए बहुत सारी लहरों का सामना करना पड़ता है, उनसे जूझना पड़ता है, लहरों को जीतना पड़ता है। इस वक्त मैंने तुम्हें सिर्फ बातचीत के लिए बुलाया है। आने वाले वक्त में अगर तुम मेरा भरोसा जीत पाए तो एक रिश्ता भी कायम होगा। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ सरदार जी, और हम इस वक्त के इम्तिहान से गुजरने के लिए तैयार हैं। ऑटो आइप्स के बारे में ऐसी बहुत सारी जानकारी है जो हमें आपको देनी है। आओ।
हमारी जमीन पे ऑटो आइव्स की नजर है। हमें महफूज रहने के लिए जल्दी ही हरकत में आना होगा। कार्यवाही जारी रहे, मैं आप लोगों से कुछ देर में मिलता हूँ। पर पिताजी, आपके बिना दरबार कैसे चल सकता है? मेरी गैर मौजूदगी में सरदार जय सिंह जी कार्यवाही का भार संभालेंगे। मैं हूं महासिंह, तुम जाओ पुत्र। गुलाम मोहम्मद, तुम अपनी बात पूरी करो। जी। अवध के कत्लेआम के बाद ऑटो आइव्स कुछ बड़ा करने वाले हैं। वो इस रियासत पे बड़ा हमला करने वाले हैं। क्या मैं कुछ कह सकता हूँ सरदार जी? कहो पुत्र। अंग्रेजों के षड्यंत्रकारी दिमाग को तो दुनिया जानती है। बेशक। ऐशक। अगर अंग्रेज षड्यंत्र रचना जानते हैं, तो वो अपने सब मंसूबे इतनी आसानी से तुम्हारे साथ क्यों बांटेंगे गुलाम मोहम्मद? रुक जाइए सरदार महासिंह जी। कौन है? मैं कौन हूँ आपके लिए जानना जरूरी नहीं है। सिर्फ इतना जान लीजिए कि आपके लिए अपने प्राण तक त्याग सकता हूँ, इस धरती के लिए अपना शीश कटा सकता हूँ। महासिंह जज्बातों की सच्चाई को समझ सकता है, पर तुम सामने क्यों नहीं आ रहे? माफ कीजिए, आपके सामने आकर मैं अपने साथ जुड़ी एक मासूम सी जान को खतरे में नहीं डाल सकता, लेकिन आपके सामने ना होते हुए भी मैं आपका शुभचिंतक ही हूँ। और आपके सामने दोस्त के वेश में आया गुलाम मोहम्मद चट्ठा सिर्फ आपका दुश्मन है। ये बात तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैं गुलाम मोहम्मद की रग रग से वाकिफ हूँ सरदार जी। आपके साथ हाथ मिलाना सिर्फ दिखावा है, साजिश है। वो आपके नहीं, अंग्रेजों के साथ है। रंजीत की बात में दम है पिताजी। जवाब देने का मौका मैं तुमसे नहीं छीनूंगा गुलाम मोहम्मद, जवाब ना देने का चुनाव मैं दूंगा नहीं। सवाल बेशक अच्छा है शहजादे, लेकिन जवाब का स्वाद उतना ही कड़वा। असल में ऑटो ईव से हाथ मिलाते वक्त हमने अपनी फौज को उनके साथ देने का वादा किया, झूठा वादा। और चट्टा सेना का समर्थन तो ऐसी पेशकश है जिससे कोई भी ताकत खुश हो सकती है। अगर अब आप मेरे जवाब से सहमत हैं, तो आगे बढ़ें। बिल्कुल। वैसे भी सच को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता, सच सामने आ ही जाता है। गुलाम मोहम्मद ने हमें अवध में होने वाले कत्लेआम की खबर दी थी, मैं सचेत किया था। भरोसा जीतने के लिए वो जो हो सके करेगा। सच तो यह है कि गुलाम मोहम्मद चट्ठा आपसे नफरत करता है, आपसे अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है। सिर्फ आपकी रियासत को नहीं, बल्कि आपकी जान को भी खतरा है। मैं तुम्हारी बात पर विश्वास क्यों करूं? आप विश्वास नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं सरदार महासिंह जी, मेरी मत सुनिए, अपने अंदर की आवाज सुनिए सरदार जी। आपके अंदर की आवाज ही सच की आवाज है, आप सचेत रहिए। और तुम हो कौन, अपना परिचय दो।
इस धरती का वीर योद्धा। रुको,